कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता इतने सुंदर सुंदर साथी मेरे साथ कुकी खा रही है। ये वो घास, ये तो तेरा है कि really? Is it that easy? वो वाला तेरा है। अब मेरे को इतना सारा कुछ एक कॉफी के लिए ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है, ऊपर से नहीं पता है सारी कैटेगरी क्योंकि तुम हो नागिन और नाग। यार अपना तो बहुत बड़ा पप्पू हो गया, यहाँ तो बंद है। मैं कभी तुम्हारा निवाला नहीं छीनूंगी गाइस कैफे में। एंड द बेस्ट पार्ट इज राइट गाइज अभी पहुंच चुके हैं कैफे में। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मैं बिल्कुल टाइम पर पहुंची हूँ। इट इज ऑलमोस्ट 7:30। तो फिर चलते हैं अभी क्या ये था शोर में सारा, तो फिर चलते हैं अभी कैफे खोलते हैं एंड देन लेट्स सी। प्रोबेबली आई विल फिनिश टिल 1, बट हाँ आई विल फिनिश टिल 1, बाकी आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड। 1 eternity later. Hey guys, what's up? It's a wonderful Sunday after so long. इतना प्यारा मौसम है, इतना प्यारा, पता नहीं धूप आई गेस एक हफ्ते के बाद निकली है यार। इट फील्स सो गुड, एन अमेजिंग सनी डे। आई वॉज एट वर्क, मेरा 1 बजे ख़त्म होना था वैसे, बट आई फिनिश एट 5:30 क्योंकि मतलब मैं रुक गई थोड़ा और देर के लिए, पर मज़ा आया, मस्त बढ़िया। कॉफ़ी कॉफ़ी बनाओ, ऐश करो, बाकी अभी देखते हैं क्या सीन है। ये अपना प्यारा हॉस्पिटल। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ हेडिंग बैक टू होम, प्रोबेबली आई विल सिट एट अ प्लेस, कोई भी, चाहे कैफे बंद ही हो गया हो, मेरे को बस कहीं बैठना है और मेरे को एक असाइनमेंट करनी है, उसके बाद एक दो और चीज़ें मुझे काम है, मेरे को लैपटॉप पे ही वो निपटा के मैं जाऊँ, और मे बी मैं डायरेक्टली जिम चली जाऊँ क्योंकि मैं जिम के क्लोथ्स लाई हुई हूँ। दिस इज सो प्रिटी। बाकी यार अपना तो बहुत बड़ा पप्पू हो गया, यहाँ तो बंद है। मैंने सोचा था यहाँ पे जाऊँगी, देखो इतना बड़ा कैफ़े है, ये सोचा था यहाँ पे जाके बैठ के एडिटिंग कर लूँगी, पर ये बंद है, एक्सेस अपने पास ऑब्वियसली है नहीं। तो फिर अब अपन जिम ही जा रहा है क्योंकि और कुछ नहीं है। चल के आपको शानू और मानिया से भी मिलवाती हूँ, उसके बाद देख लेंगे क्या सीन बनता है। इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन क्योंकि आपको एंटरटेनिंग व्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे। सबसे अच्छी बात मेरे को कैफ़े की ये लगी कि ये मेरे को कॉफ़ी बनाने के पैसे दे रहे हैं यार। कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि रियली इज इट दैट ईजी कि मतलब कॉफ़ी बनाने के तुम मुझे पैसे दे रहे हो, बट हाँ मस्त है। अभी मैं नई नई हूँ ना तो कुछ एक ऑर्डर्स तो बड़ी आते हैं भाई, ठीक है कैपेचिनो दे दो, मीडियम लाटे, ये वो ये वो, भाई कुछ एक इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं मेरे को ढूंढने में टाइम लग जाता है। कुछ एक ऑर्डर्स आते हैं मीडियम लाटे एक्स्ट्रा हॉट विद एक्स्ट्रा शॉट ऑफ एस्प्रेसो आमंड मिल्क विद हेजलनट सिरप 1 sugar। अब मेरे को इतना सारा कुछ एक कॉफ़ी के लिए ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है, ऊपर से वो 3 ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कॉफ़ीज़ ऑर्डर कर देता है, मैं खज्जल हो जाती हूँ कि किधर क्या ढूंढना है। बट आई थिंक इट विल टेक सम टाइम फॉर मी टू यू नो गेट यूज टू इट, पूरा ऐसे सिस्टम वगैरह कि फट फट। जो लोग वहाँ पे पहले से काम कर रहे होते हैं उसे फट फट करते हैं, पता है सिरप शुगर मिल्क ये वो। मैं बेचारी गरीब ढूंढती रह जाती हूँ यार, पर मस्त बढ़िया, एवरीबडी इज़ वेरी स्वीट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट आई डोंट नो कुछ एक बूढ़े अंकल आते हैं, पता नहीं क्यों वो इतने परेशान होते हैं जिंदगी से। बूढ़े अंकल बहुत गुस्से में रहते हैं भाई, कॉफ़ी ऐसी है कॉफ़ी वैसी है, और कुछ एक बूढ़ी आंटीज़ भी, शायद उन्हें रिग्रेट है जिंदगी में किसी चीज़ का। सही हुआ है बाकी सब, एवरीबडी स्वीट। 4 buses आके चली गई, पता नहीं अपनी वाली कब आएगी बस। ये चिड़िया इतनी क्यूट है, मेरे साथ कुकी खा रही है, ये मैं कुकी खा रही हूँ, उसको देती हूँ थोड़ी सी, खाती है फिर उड़ जाती है, अभी देखना दूंगी फिर उड़ जाएगी, देखा उड़ गई फिर अभी आएगी। इतनी चुजू सी है भाई, अच्छी लगी देखो कुकी, फिर उड़ गई, कोई आया देख के उड़ गई, डर गई बच्चे। आज 50 buses आके चली गई भाई, मेरी नहीं आ रही अभी नोटिंग चली गई, देखो आगे चिड़िया कुकी खाएगी, वो देखो वो पड़ी है कुकी, देखा खा के उड़ गई। भाई अपने साथ बहुत ज़्यादा बड़ा वाला पप्पू हो गया है।
15 मिनट से मैं अपनी बस की वेट कर रही हूँ, मेरी बस नहीं आई। यहाँ पे दिखा रही थी, अभी आप लोगों को ऐसा क्यों नहीं दिख पा रहा है टेक्स्ट? चलो जी, आईफोन भी खराब हो गया जिंदगी में, आईफोन भी खराब हो गया। मेरे को सच्ची बिल्कुल ठीक लग रहा है, ये ऐसे क्यों आ रहा है कैमरा में? ये भाई आ गई अपने वाली भी, और ये चिड़िया को भी बाय बाय कर देते हैं, कैमरा शाय को। देखो यार, मेरे को क्या ये मस्त चिड़िया दिखी है, मतलब आई डोंट नो इफ इट्स चिड़िया बट इट इज सो स्कैरी। और इतने गुस्से में क्यों आई है? हाय ब्रो, हेलो कर दो, लोगों को बोल दो कि वो सब्सक्राइब कर दे। गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू हर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। भाई और आप लोगों को लग रहा होगा ना कि आज ये बस के लिए इतना क्यों रोई, क्यों इसने इतना एग्जैजरेट किया। मेरे को पता चला गाइस, अभी अभी मेरी मान्या से बात हुई, उसने मेरे को रीजन बताया कि वीकेंड पे बसेस नहीं चलती हैं, बहुत कम बसेस होती हैं एक एक घंटे के गैप पे भाई, जबकि वीकडेज में हर 10 मिनट में, 5 मिनट में, 20 मिनट में बस होती है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली चलती है, पर वीकेंड पे नहीं होती, समझ रहे हो? मतलब दुख समझो मेरा, और तो कुछ नहीं है, बस दुख समझ लो। जिम, चलो भाई बढ़िया, अब जिम करेंगे। और मूड मस्त लग रहा है, मतलब मूड अब मेरा सही हो गया है, क्योंकि मैं पूरे ऐसे जिम के कपड़ों में आ चुकी हूँ और मैं एक्सरसाइज करना चाहूँगी। सी यू लेटर। हेलो, कैसे है? बढ़िया। तो गाइस, हम काफ़ी कुछ उखाड़ के आ चुके हैं जिम से, बहुत सारा जिम किया आज हमने, आज ओहो कुछ भी नहीं किया सच बताऊं तो। बाकी ये रहे मेरे दोनों बहुत ही प्यारे अनमोल, इतने सुंदर सुंदर साथी, जो कि बिल्कुल नहीं हो रहा, नहीं जो कि मुझे थोड़े से नाराज है, क्योंकि मैं इनको ऐसे कुछ भी बोल देती हूँ ना, चलू पप्पू नबू, नहीं नागिन बोला था ना मैं इसको कल के व्लॉग में, इसने देख लिया था जब मैं एडिट कर रही थी, तो कहती थी ना मुझे नागिन बोला। शानू को भी मैंने नाग बोला था, पर वो तो मैंने एडिट कर दिया था, तो असली में थोड़ी नाग और नागिन हो गाइस, इतने प्यारे नहीं मैं भी नहीं हूँ, मैं तो हूँ ही अच्छा बच्चा। मोंगूस कौन है बे? जो तू है। नहीं जो तू है, तुम्हारी शक्ल मैच भी कर रही है, मुझे पता भी नहीं है कौन है। एनीवेज कौन है, तुझे पता है कौन है? कौन है मोंगूस? जो तू है, सामने तो खड़ा है। क्या होता है मोंगूस? गूगल करूंगी मैं जाके। अच्छा देखो, तुम्हें ही पता है सारी कैटेगरी, क्योंकि तुम हो नागिन और नाग, नहीं तुम हो। सामने से काला कुत्ता और काला मालिक आ रहा है, सच में यार, ऑल ब्लैक मैन। कुत्ते से पूछा नहीं क्या पहन के जाएगा? हाँ। कुत्ते ने बोला कुछ नहीं, तो उसको लगा कि कलर तो ब्लैक ही, मैं ब्लैक वाले को। क्या जोक मारी हो तुम, हम तुम्हें कपिल शर्मा में भेजना चाहेंगे। वाओ, मैंने स्कूटी यहाँ पे एक साल में पहली बार स्कूटी देखी है मैंने। शानू, किसी ने कमेंट किया है कि शानू भैया थोड़ा हंस भी लिया करो। मैंने रीसेंट ब्लॉग डाला, उसको देख के एक बंदे ने कमेंट किया है, बाजी कदे हंस लिया करो। नहीं, उसने बोला है शानू भैया कभी हंस भी लिया करो, ऐसा कुछ बोला है कि इतने गुस्से में क्यों। मैंने भी नहीं नोटिस किया था, और मैंने इसकी कोई गुस्से वाली क्लिप डाली ही नहीं है यार। हाँ, ऐसे लग रहा था कि खाने ही वाला है। तुझे बंदा लग रहा था, बदतमीजो। मांगूस पसंद है तेरे को ही खाने के लिए आ रहा था, जीप चाट चाट के आ रहा था ना? तेरे पास आ रहा था, तुम्हें पूरी कैटेगरी पता है, समझे किसके पास तुम आ रहा था? तुम हो ही सांप, तू तू सांप सांप। मेरा फोन तोड़ रही थी, मैं बोल रही हूँ पैसे नहीं आ रहे, बस नए फोन। वैसे भी तुम गरीब हो। मैंने तो भरी नहीं आ रही एक महीने से, मैं तो भूल ही गई कि वो ये तो अभी फ्री नहीं हुआ है। ओ आई फॉरगॉट। एक और आ रहा है कुत्ता, देखा वो रंग बिरंगे मालिक और कुत्ता है, सेम ही तो है, वाइट वाइट नहीं, थोड़े से अलग है, वाइट ही है। पिज्जा खाने का मन कर रहा है, अभी दुख मना के सोच रहे हैं कौन सा पिज्जा खाए यार। लोग लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, इतना अनहेल्दी खाते हैं। नहीं गाइस, दिक्कत आ रही है पता है, बिल्कुल भी भाई स्टैमिना नहीं है, क्योंकि इतना बुरा बुरा खा रहे हैं हम, डाइट हमारी जीरो है। अंडा अंडा कभी कभी हम अंडा खा लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी हेल्दी नहीं खा रहे हम। आई थिंक डाइट मेरे को तो स्पेशली ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा मीठा खाती हूँ यार, मीठा इज सो गुड, स्पेशली एट द कैफे।
और ये लड़के भी बहुत मीठा लेके आती है। झूठ, कुकीडो करते रहते हैं सब लोग। मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाता मीठा। मेरा ब्लॉग है ना, आप मेरे ऊपर यकीन करो, ये इतना झूठ बोलता है ना। तो मैं लेके आती तो क्या तुम नहीं खाते? लेकिन हम मैं स्पेसिफिकली अपने लिए लेके तो नहीं आता ना। पर तू खाती तो है ना? अगर मैं लेके आती तो तू खाती है ना? तू तो आ गया, तू वेस्ट। तू खाती तो है ना? फूड वेस्ट नहीं करता। ओह माय गॉड, ये भी ले आती है कभी कभी, ऐसा थोड़ी है सब। मैं कोई बुरा बना देता हूं। मैं बोल रहा हूं तुम जिम जाके आई हो, थोड़ा खाना खा लो। ओ घास, ये तो तेरा है, तेरा खाना कभी नहीं खाऊंगी मैं। गाइस ये वाला घास सिर्फ शानू का है, ये मैं कभी नहीं खाऊंगी। मैं अपना घर जाके खाना खाऊंगी। वो वाला तेरा है। तेरा घास भी नहीं खाऊंगी मैं कभी, तुम्हारा निवाला नहीं छीनूंगी। गाइस घास इज ऑल योर्स। आउच, इतनी जोर से मारी, बस यागी कहती बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें घर लेके जाती हूँ। 20 minutes later। तो गाइस अभी हम उधर गए हैं, उतर गए हैं यहाँ वूलवर्थ के पास, क्योंकि हमारा घर जाने का मन नहीं कर रहा है। मौसम बहुत प्यारा है और सीन ये है कि कुछ खाने का मन कर रहा है। नाउ वी आर डिसाइडिंग कि हम फ्राइज़ खाएं, हम गार्लिक ब्रेड खाएं, या फिर हम कुरकुरे पे एडजस्ट कर लें, क्योंकि आलू खाने का मन नहीं है। आलू की सब्ज़ी है घर पे, ब्रेड हम रोज़ ही खाते हैं, तो फिर गार्लिक ब्रेड भी क्या ही खानी है। और कुरकुरे तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि हम कुरकुरे खरीद के खाएं। तो फिर यही अपनी छोटी छोटी बातें होती हैं, कुछ बड़ा नहीं है, कुछ बड़ा डिसीजन नहीं है ज़िंदगी में, यही छोटे छोटे डिसीजन चलते रहते हैं। देखो अभी जा रहे हैं, या तो फ्राइज़ की तरफ जाएंगे या गार्लिक ब्रेड की तरफ जाएंगे। अंकल चिप्स, देखा कितना टफ डिसीजन है। हाँ अंकल चिप्स भी खा सकता है, मेरे को बिल्कुल नहीं खाने हैं चिप्स कुरकुरे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरा बैग रखने के लिए, माई बैग इज़ सो हैवी, रोज़ मेरा इतना पप्पू बनता है, मैं बैग में लैपटॉप लेके आती हूँ कि पता नहीं क्या ही काम उखाड़ लूँगी मैं, मेरा कोई काम नहीं होता। तो हम यहाँ पे कुछ लेने नहीं आए, हम सिर्फ ब्रेड लेने आए हैं। पर मैंने ये बास्केट ली है, ट्रॉली मैंने ये ट्रॉली सिर्फ इसलिए लिया ताकि इसमें मैं अपना बैग रख सकूँ, बिकॉज माई बैग इज सो हैवी। तो अभी इधर वूलवर्थ आए हैं ब्रेड लेने के लिए, क्योंकि आज डिनर में खाएंगे पोटैटो रोल। सबसे सुंदर वाली ब्रेड लेना जिससे सबसे अच्छे पोटैटो रोल बने। देखा हो गई मेरी ट्रॉली ब्रेड के लिए भी यूज, सिर्फ बैग नहीं रखा उसमें। बड़े आए सब लोग मेरे को चिक चिक कट रहते हैं। गाइज आई कैन जस्टिफाई माई पॉइंट की ट्रॉली क्यों जरूरी है, ठीक है? क्योंकि एक दिन हम ऐसी वूलवर्थ आए सेम सिर्फ ब्रेड लेने के लिए। भाई ब्रेड लेने के लिए आए, 50 चीज़ें उठा ली, पूरी घर की ग्रॉसरी ले ली, बस में गए थे उस दिन हम घर। तो ये ऐसे बोलते हैं कि ट्रॉली में क्या रखना क्या रखना, फिर इतनी सारी चीज़ें उठा लेते। और ये मेरे बहुत ही प्यारे भाई बहन ने डिनर में सैंडविच बनाए हैं। कितनी गंदी शक्ल, नहीं बस मैं सैंडविच बता के डिनर करा के एंड ही कर जाऊँ। 10 रुपए की पेप्सी, मेरे भाई बहन सेक्सी, बेचारे परेशान हो गया रेगुलर ब्लॉगिंग से, कहते दिमाग खाती रहती है। ऑलराइट, डिनर इज डन, वीडियो को करेंगे यहीं पे खत्म। आप लोगों से मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इन्जॉय, हैव फन, मस्त मजे करो जिंदगी में, हर मोमेंट को इन्जॉय करो, क्योंकि कोई भी मोमेंट दोबारा नहीं आता। I will see you all in my next video. Till then, take care. Lots and lots of love from Melbourne. Bye. अभी मैं ये सोच रही हूँ कि इन 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 और बताओ कुछ, बताओ, कंटेंट दो भाई, कंटेंट चाहिए अपने को। तो मेरे को नहीं डालनी है क्लिप, मैं कुछ नहीं डालूंगा। और इन्होंने क्या किया भाई, 50 चीजें उठा ली, सबकी हार्ट टूट रहे, मेरे को क्या हो गया यार अब।